शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है थोड़ा सा और डाल दो, मसाला ज़्यादा है। तो शुक्ला जी भी मदद करवा रहे हैं हमारी यहाँ पर। कैसे हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो यहाँ पर जो कल मैंने ब्लॉग की एंडिंग की थी ना, वहीं से स्टार्ट है। कल ब्लॉग लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने उतना ही अपलोड किया था, उसके बाद का अब आज है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले भिंगो रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च है दरदरी वाली और गर्म मसाला, सारा कुछ इसको मैं पानी में भिंगो कर कुछ देर के लिए रख दूंगी। और जो मैंने अदरक लहसुन प्याज ये सब मैंने बाजू में पीस के रखा हुआ है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू की सब्जी। तो आप लोग देखिएगा, बैंगन और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो सारी तैयारी हो चुकी है, बस इसको बाहर ले जाना है। तो कुछ कपड़े डले हुए थे तो मैंने बोली चलो अंदर ले जाते हैं और उसके बाद मैं सारा कुछ सामान लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स हम आ गए हैं इधर चूल्हे के पास और हम बना रहे हैं आज चूल्हे पर सब्जी। और सब्जी मैंने श्रेया के लिए तो बता ही दिया कैसे ही बनाई थी, और ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मैंने गंजी चढ़ा दी है, मैं गंजी में बना रही हूँ जो पहले से काली रखी हुई है, क्योंकि बर्तन ख़राब हो जाते हैं ना चूल्हे पर। बहुत कम बनाती हूँ मैं चूल्हे पर खाना, पर मैंने बोला चलो आज बनाते हैं। तो शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है थोड़ा सा और डाल दो, मसाला ज़्यादा है। तो शुक्ला जी भी मदद करवा रहे हैं हमारी यहाँ पर। तो ये तेल डाल रहे हैं, आज इनकी समझ लो छुट्टी है, जाना है कहीं, जाना है इनको कहीं। तो यहाँ पर मैं सारा सामान ले आई थी, जो कि मैंने सब्जी में जो जो लगेगा वो सारा कुछ ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने जो गंजी है वो चढ़ा दी है, तो ये पहले से ही गंजी काली है, इसलिए मैंने, क्योंकि मांजन नहीं लगाना पड़ता, कई लोग बोलते हैं ना मांजन लगाना पड़ता है, बर्तन काले नहीं होते, पहले से ही काली है तो मांजन मैं नहीं लगाती हूँ ये। और जब भी चूल्हे पर कोई भी खाना बनाती हूँ ना मैं, तो यही मैं गंजी उपयोग में लाती हूँ। एक और गंजी जो साइड में रखी हुई है, उस गंजी को भी चूल्हे पर ही चढ़ाती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ, और एक ही ये गंजी है। तो दो बर्तन हैं चूल्हे पर। और यहाँ पर आलू बॉयल है, भट्टी भी बॉयल है, भट्टा मैं अभी चेक करूँगी कुछ है तो नहीं उसमें, और बस अच्छी सब्जी बनने वाली है। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस प्रकार से सब्जी बनाऊंगी, पर श्रेया का नाश्ता बन चुका था। सबसे टेंशन रहती है कि सबसे जल्दी उसका टिफ़िन लग जाए, क्योंकि वो चली जाती है, और अगर हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और अभी लगभग यहाँ पर 11 बज रहे हैं और वो 10:30 बजे जा चुकी है, यानी 10:30 बजे नहीं 10:15 पे वो जा चुकी है। तो मैंने बोला कि पहले उसको मैं टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारा कुछ काम कर लूँगी। कि जो खाना बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आस पड़ोस को भी खुशबू मिल जाएगी कि हमारे यहाँ कुछ बन रहा है बाहर। मुझे लग रहा है ऑयल थोड़ा कम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ कि आस पड़ोस को भी खुशबू लग जाएगी कि बाहर कुछ बन रहा है, ऐसा होता है ना कि अंदर बनाती हूँ तो इतने, यानी बाहर समझ में नहीं आता है, पर ये बाहर बनाती हूँ ना तो कई लोगों ने मुझे टोका है कि आज तो ये बना था वो बना था, तो लोग बोलते हैं। तो मैं बता देती कि हाँ चूल्हे पर बनाया था ना, इसलिए खुशबू वहाँ तक पहुँच जाती है। आस पड़ोस में एक पड़ोसन है तो उनके यहाँ पहुँच जाती है खुशबू। तो यहाँ पर मैंने भट्टे मैश कर रही हूँ, आलू भी मैश कर लूँगी, क्योंकि देखना पड़ता है ना, चेक करना पड़ता है कि कुछ है तो नहीं। तो बस हमारा मसाला पक रहा है, सारा खेल मसाले का ही रहता है, कई बार वीडियो पर बोल चुकी हूँ, क्योंकि मसाला अच्छे से पक जाएगा तो सब्ज़ी अपने आप अच्छी बनती है। और मैं ज़्यादातर गर्म मसाला ऐड नहीं करती हूँ, पर चोरी से मैंने थोड़ा सा डाल दिया, शुक्ला जी को पता नहीं चलेगा, अगर सामने डालूँ ना तो पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा जो
जो मसाला मैंने भिंगो कर रखा हुआ था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी, तो अब मैं डाल दूँगी क्योंकि प्याज है ना जो ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पर हमारी सहायता, आप लोगों को पता है, शुक्ला जी करवा रहे हैं और वो आग थोड़ा सा जलवाने में मदद कर रहे हैं क्योंकि बुझ बुझ जा रही थी। और सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जब चूल्हे पर खाना बनता है ना तो हवा इधर उधर होती है तो खुशबू भी आ जाती है, तो सच में बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी, यानी मसाला जब भून रहे थे हम। और यहाँ पर बस मसाला पक जाएगा तो हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ये मैं लास्ट में बोल रही हूँ, पता नहीं यहाँ तक कोई आ पाता है वीडियो पर कि नहीं आ पाता है। अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे यानी वीडियो पर लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे एक मोटिवेट सा मिलता है कि चलो मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और जो भी मेरे वीडियो पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें मेरे वीडियो के आगे की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो यहाँ पर मैंने हींग और नमक ऐड कर दिया है, बातें करने में थी बिज़ी इसलिए बता नहीं पाई, तो वैसे आप लोगों ने देख लिया है। चली गई थी थोड़ी देर के लिए पानी लेने के लिए, तो शुक्ला जी ने थोड़ी सी सब्ज़ी चला दी थी ना, मसाला चला दिया था। सब्ज़ी का मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो सब्ज़ी में अलग ही स्वाद आ जाता है। अरे ये मैंने मैश कर लिया अच्छे से, देखो सोचा नहीं था कि मैं इधर आकर बनाऊंगी खाना। शायद लिए अलग से आलू बॉईल करके सब्जी बना दी, अब ये भट्टा रखा हुआ था तो मैंने चलो हम भट्टा बोल रहे हैं यानी कई लोग बैगन बोलते हैं, तो बैगन रखा हुआ था तो हमने इसको बॉईल कर लिया आलू के साथ, अब इसकी ये सब्जी बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स बहुत देर बाद अब मसाला भुन चुका है, तो अब हम भट्टे जो आलू मैश करके रखे हुए थे उसको हम पलटा दे रहे हैं और अच्छे तरीके से चला देंगे। और वैसे ही ऑयल पका हुआ है, थोड़ी देर 5-10 मिनट तक बस पकाएंगे इस मसाले के साथ, जिसमें मसाला अच्छे तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद हम धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी रसेदार अच्छी लगेगी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने बना ली हूँ। चलो फाइनली आज सब्ज़ी बन ही चुकी है, तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आप लोग देखिएगा, सब्जी तो बन गई, रोटियां बाकी हैं। तो रोटी मैंने गैस पर सेक दी थी और थोड़ा सा अभी ये चूल्हे पर सब्जी बनी हुई है ना, तो शुक्ला जी का मन कर रहा था कि क्यों ना चूल्हे पर ही रोटी बना ली जाए, तो मम्मी को बुलाया गया था, मम्मी आई थी, तो मम्मी ने हाथों की रोटियाँ बनाई हुई है, आप लोगों को दिखाएँगे। तो यहाँ पर देखो सब्जी अच्छी पक रही है, 10 मिनट तक पकाएँगे और बस मम्मी आ गई हैं। तो मम्मी और ये बात कर रहे थे तो मेरा वीडियो तो ऑन ही था। ये देखो अच्छी पक चुकी है, इसके बाद बस तवा चढ़ाकर हम बनाएंगे रोटियां। तो आप लोग देख सकते हो मम्मी ने कितने प्यार से रोटी बनाई है, ये देखो। तो ये हाथों की रोटियां हैं और मम्मी बना रही हैं। यहाँ पर शुक्ला जी और मम्मी दोनों जन बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। तो ये देखो कितनी, मेरे सच बताऊं तो मुझसे नहीं आती इतने हाथ से गोल गोल रोटी बनाना। मम्मी ने देखो कितनी प्यारी रोटी बनाई है गोल गोल, बस ये गरम गरम रोटियों में अच्छा घी लगाकर शुक्ला जी को देना है। ज़्यादा रोटियां नहीं बना रही हैं क्योंकि मम्मी को कहीं यानी जो सुहागलों की पूजा रहती है ना वहाँ वो जा रही थी, तो बस शुक्ला जी के लिए बन रही, और हमने तो गैस में बना ली थी अपने लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा था, सीता ब्लॉग करके है, तो वो ऐसे देखा क्योंकि मैंने किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो पर कमेंट किया था, उसके नीचे हाय लिखकर आया था, तो मैं उनके चैनल पर गई, चेक किया, मैंने देखा तो बहुत दुखी हैं वो और उनके जो घर की स्थिति है बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लोग एक दो वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि 50 रुपये तक नहीं थे उनके घर पर दवाई लाने के लिए। उनका छोटा सा भाई है, मुझे बड़ा दुख लगा, तो मैंने बोली चलो
आज शायद मैं नाम ले दूँ तो शायद कुछ हेल्प हो जाए, और ऐसे लोगों की हेल्प करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी करोगे आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं था कि मेरा नाम लेना आप वीडियो पर, बट मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।